गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तमाम हलकों में पोलिंग 15 नवंबर को होगी। कागजात नामजदगी 30 सितंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तमाम 24 हलकों पर आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन राजा शहबाज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 25 सितंबर से 30 सितंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। 7 अक्टूबर तक कागजात की जाँच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाया और 20 अक्टूबर को इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इलेक्शन 15 नवंबर को मुनक्किद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी क्यादत से जीबी इलेक्शन में इस्लाहात के लिए तजावीज तलब की गई हैं। सियासी क्यादत की तजावीज से गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए जा सकेंगे। नोटिफिकेशन विफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर के दस्तखत से जारी हुआ। दूसरी जानब विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं को इलेक्शन के हवाले से खत भी लिखा है। खत की कॉपी शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, खालिद मगजी, अख्तर मेंगल, मौलाना असद महमूद, शेख रशीद, ख्वाजा आसिफ, शाह महमूद कुरैशी, तारिक बशीर चीमा, गौस बख्श मेहर और दीगर को भी इरसाल की गई।